शिव महापुराण में कहा गया है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित किए हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधन धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत द्विग्रह प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम चार मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायत धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रति ग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करें। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। श्वेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन, लेह्य और चौप्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है।
दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के तीन भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संज्ञाओं में समय अग्निहोत्र कर्म करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्व की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जम मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं, तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं।